हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आईजी वसीम चैनल मैन की। आज की इस वीडियो में पोको X6 प्रो का गेम मोड का जो एप्लीकेशन देखने को मिलता है उसमें काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। लाइक वॉइस चेंजर हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत ही कमाल का सपोर्ट करता है, लाइव FPS कैसे देख सकते हैं एंड और भी बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं। सो हो गई सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। देखते रहिए वीडियो को एंड तक, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। और डेज तो यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में कोई भी आपको गेम मोड वाला एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है, तो उसको इनेबल करने के लिए सिंपली हमको जाना होगा सिक्योरिटी वाले ऐप में। सिंपली इसमें एंटर होंगे एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको गेम टर्बो करके एक आइकन देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड गाइस ये आपको गेम स्पेस में एंटर कर देगा। अब गाइस यहाँ पे सिंपली ऐड करने के लिए सेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ से गाइस नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन शॉर्टकट। सिंपली गाइस इसको इनेबल कर देंगे एंड अब यहाँ पे देख सकेंगे आपकी हमारा होम स्क्रीन पे आ चुका है एक आइकन जिसके थ्रू हम डायरेक्टली गेम मोड में एंटर कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे गेम स्पेस में एंटर कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है मस्त ये स्क्रॉलिंग टाइप में एंड काफ़ी मस्त साउंड एंड हैप्टिक आता है, वाइब्रेशन फील होता है तो मस्त लगता है ऐसा कुछ। बाकी यहाँ पर जो आपको वाइट डॉट्स दिख रहे हैं ये बेसिकली जायरो जैसा फील देता है, मतलब फ़ोन को मूव करने पर ऐसा लगता है कि जायरो कर रहा है, तो देखने में काफ़ी कूल लगता है ये। इसके अलावा इस यहाँ पे आपको बैटरी आइकन एंड CPU देखने को मिल जाता है एंड इसके अलावा यहाँ पे प्लस आइकन देखने को मिल जाता है। प्लस आइकन पे क्लिक करके सिंपली जो भी सपोर्टेबल एप्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं एंड यहीं से रिमूव भी कर सकते हैं एंड कुछ ऐसा देख सकते हैं कर सकते हैं ईजिली। इसके अलावा इस चले नेक्स्ट तो वो देखने को मिलता है हमारा सेटिंग, तो इसको हम आपको बाद में बताएंगे इसके फीचर के बारे में। ओके नेक्स्ट चलते हैं। इस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये एग्जिट वाला बटन, डबल टैप करेंगे उस पर तो आप सिंपली एग्जिट हो जाएंगे। ओके एंड यहाँ पे गई आप स्क्रॉल करके जो भी ऐप्स यहाँ पे रखेंगे उसके मतलब फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे फ्री फायर को हम रख दिए। अब गई यहाँ पे हम चलते हैं। अब दोस्त यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है काफ़ी कमाल के ऑप्शंस लाइक पिक्चर क्वालिटी एंड फ्रेम रेट जो है उसको हाई करने का, परफॉर्मेंस मोड हाई करने का। तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है लाइक बैलेंस मोड, सेव पावर, हाई क्वालिटी ऐसा कुछ एंड सिंपली गाइस यहाँ पे आपको कस्टम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड कस्टम पे जाने के बाद यहाँ से आप खुद से चूज़ कर सकते हैं सारे ही फ्रेम रेट के रिजोल्यूशन। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कैसा क्वालिटी आपको देखने को मिले, बेसिकली ये क्वालिटी से रिलेटेड है, ग्राफिक जो है ना डिस्प्ले का वो कैसा देखने को मिले, तो यहाँ पे आप खुद से इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो आइकन देखने को मिल रहा है उस पर टैप करके आप रीड भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये बहुत ही सही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एडिशनल सेटिंग देखने को मिल जाता है यहाँ पे, कैसे आप स्वाइप रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने का ऑप्शन है, एम एक्यूरेसी है एंड साथ ही कैसे टैप स्टेबिलिटी मतलब कि कितना फास्ट वर्क कर ले, तो ये भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो ऑटोमेटिकली ये वर्क कर लेता है, बाकी यहाँ पे सिंपली आप कस्टमाइज पे क्लिक करके खुद से भी मैनेज कर सकते हैं लाइक स्वाइप रिस्पॉन्स कितना फास्ट वर्क करे, सेंसिटिविटी कैसा वर्क करे, एम एक्यूरेसी कैसा हो एंड टच कितना फास्ट वर्क करे। इसके अलावा इसे यहाँ पे पाम रिजेक्शन भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि अगर आपका हाथ नीचे से थोड़ा सा टच करे तो उतना देर मतलब उतना दूर बेसिकली वर्क ना करे, गेमिंग करते टाइम डिस्टर्ब ना हो, तो ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे इनहेंस ग्राफिक करके अभी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, विजुअल करके बेसिकली यहाँ पे कलर्स थोड़ा सा ये बूस्ट करता है। वैसे ये एमोलेड में उतना फील नहीं होता है क्योंकि एमोलेड ऑलरेडी थोड़ा पंची कलर शो करता है तो उतना फील नहीं होता है, मगर LCD वाले फ़ोन में लाइक मेरा Mi 10T है उसमें अगर ये सेटिंग यूज़ करते हैं तो काफ़ी कमाल का वहाँ पर वाइब्रेशन देखने को मिलता है, वाइब्रेंट बेसिकली। अब दोस्त यहाँ पर हम सेटिंग में चलते हैं एंड सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है गेम टर्बो जो कि इनेबल ही रहता है। इन गेम शॉर्टकट देखने को मिलता है लाइक ऊपर से ऐसे स्लाइड करके लाते हैं वो है ऑप्शन। कंटेंट रिकमेंडेशन देखने को मिल जाता है, बेसिकली गेम का एड्स दिखाएगा तो इसको ऑफ ही रखिएगा। नेक्स्ट मिलता है अनइंस्टॉल गेम्स, मतलब कि जो भी अनइंस्टॉल किए रहेंगे वो आई थिंक शो करेगा। इसके अलावा किसी यहाँ पे मिल जाता है आइकन होम स्क्रीन शॉर्टकट जो कि ऑलरेडी बताए, बाकी एड गेम भी देखने को यहीं पर मिल जाता है, इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट चले गए इस परफॉर्मेंस मोड एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर बेसिकली नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करेगा एंड साथ ही
इज टच कंट्रोल को स्मूथ करेगा। तो ये यहाँ दोनों ही सेटिंग्स को आप ऑन कर सकते हैं, वाईफाई के टाइम पे अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट मिलता है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, इसको आप इनेबल ही रखिएगा। बेसिकली ओवरहीटिंग से ये बचाएगा, बट पता नहीं कितना वर्क करेगा। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिलता है हमें मेमोरी एक्सेप्शन, यहाँ पे गाइस जो भी एप्स है उनको आप इनेबल कर देंगे तो आई थिंक गेमिंग करते टाइम ये रैम से निकल जाएंगे एंड गेम पे ये ज़्यादा फोकस करेगा, तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिलता है एमआई वाईफाई स्पीड बूस्ट, बेसिकली एमआई राउटर यूज़ कीजिएगा उस टाइम पे आपको नेटवर्क कनेक्शन और बेटर ये प्रोवाइड करेगा, तो ये एक फीचर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिलता है हमें लोअर स्क्रीन ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली, मतलब कि गेम खेलते टाइम अगर फ़ोन को टच नहीं कर रहे हैं आप तो वो ऑटोमेटिकली 3 मिनट्स बाद वो आप ब्राइटनेस को डिक्रीज कर देगा बेसिकली, जिससे बैटरी आपका सेव होगा एंड बैटरी बैकअप आपको और अच्छा प्रोवाइड करने की ये कोशिश करेगा। अब दोस्तों फाइनली लास्ट ऑप्शन मिलता है गेम D&D, बेसिकली एंसर कॉल एंड हैंड्स फ्री देखने को मिलता है। इसको इनेबल रखेंगे तो कॉल जब आएगा रिसीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीकर पे चला जाएगा, तो गेमिंग करते टाइम डिस्टर्ब नहीं होंगे। बाकी इनहेंस्ड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टर्न ऑफ ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑफ कर सकते हैं, मतलब ब्राइटनेस डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट मिलता है टर्न ऑफ रीडिंग मोड, गेमिंग करते टाइम जो रीडिंग मोड अगर आप एक्टिवेट किए हुए रहेंगे मतलब वार्म डिस्प्ले तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा गेमिंग करते टाइम। रिस्ट्रिक्ट स्क्रीनशॉट जेस्चर देखने को मिलता है, मतलब स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेंगे अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो। नेक्स्ट मिलता है डोंट ओपन नोटिफिकेशन सेट, इसको इनेबल कर देंगे तो कोई भी कंट्रोल सेंटर या नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आप नहीं ला सकते, अभी आ जा रहा है लेकिन गेमिंग करते टाइम वो नहीं आएगा अगर आप इनेबल कर देंगे तो। ये थे गाइस कुछ फीचर्स। अब सिंपली हम फ्री फायर में एंटर होते हैं एंड गाइस यहाँ पे बताते हैं। सो गाइस यहाँ पे एंटर हो चुके हैं एंड सबसे पहले ये सारे ऐप्स देखने को मिलते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करके जितने भी ऐप्स हैं उन सभी को आप ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम गैलरी को करते हैं ऐड एंड आपको दिखाते हैं, एंड काफ़ी मस्त आप PIP मोड में यूज़ कर सकते हैं गेमिंग करते टाइम। व्हाट्सअप या कोई भी ऐप BGMI भी यहाँ तक ही ओपन कर सकते हैं साथ ही में, तो ऐसा कुछ आप PIP मोड में यूज़ कर सकते हैं एंड यहीं से रिमूव भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिलता है हमें क्लियर मेमोरी करके ऑप्शन, ये बेसिकली रैम को आई थिंक क्लियर करता है ऐसा कुछ। एंड इसके अलावा गाइस यहाँ पे मिलता है हमें फ्री अप स्टोरेज, ये बेसिकली स्टोरेज को क्लियर करता है आई थिंक, बट कितना करता है पता नहीं एक्चुअल में। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिलता है हमें बूस्ट परफॉर्मेंस, ये बेसिकली इसको इनेबल कर देंगे तो आई थिंक ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, हाई FPS आपको और बेटर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, बट एक्चुअल में मैंने जितना टेस्ट किया उतना मुझे डिफरेंस फील नहीं हुआ है। नेक्स्ट गाइस मिलता है D&D मोड, इसको इनेबल कर देंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपको गेमिंग करते टाइम, ना ही कॉल का ना ही मैसेज वगैरह का। नेक्स्ट मिलता है गाइस यहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है भाई, हम 3 फिंगर से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो क्या ही ज़रूरत है इसकी। ओके नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिलता है हमें रिकॉर्ड, अब गाइस ये है बहुत ही कमाल का, मतलब इस डिवाइस में कोई भी ब्रांड आपको इतना हाई लेवल की रिकॉर्डिंग क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता है। अब गाइस सेटिंग में चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं रिजोल्यूशन ये 2K सपोर्ट करता है भाई, कोई भी ब्रांड आपको प्रोवाइड नहीं करेगा इस प्राइस पे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे वीडियो क्वालिटी में चलेंगे तो आप 100 Mbps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ये भी कमाल की बात हो जाती है। साथ ही गाइस फ्रेम रेट भी, मतलब कितना FPS पे रिकॉर्ड करें तो भाई 90 FPS तक सपोर्ट करता है, तो बहुत ही कमाल का है। एंड सबसे अच्छी चीज़ कि ये प्रोसेसर हैंडल भी कर लेता है ये रिकॉर्डिंग पे, तो मस्त मतलब रिकॉर्डिंग सेटिंग देखने को मिल जाता है गेमर्स के लिए भाई, मस्त है ये सेटिंग। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिलता है सेटिंग जो कि ऑलरेडी आपको हमने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया था। चलते हैं गाइस नेक्स्ट, वो है हमारा यहाँ पे ये वाला ब्राइटनेस वगैरह, जो कि आपको ऑलरेडी बताया कि विजुअल्स चेंज होते हैं, लाइक ब्राइटनेस थोड़ा सा कलर सेचुरेट होता है वैसा कुछ। बाकी यहाँ पे स्क्रीन कास्ट देखने को मिलता है, बेसिकली TV वगैरह में आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं गेमिंग करते टाइम। इसके अलावा गाइस यहाँ पे टाइमर देखने को मिल जाता है, बेसिकली टाइम सेट कर सकते हैं कि कितना देर गेमिंग करना है, तो ये उतना यूज़ नहीं किया हूँ तो इसके बारे में उतना नहीं मालूम, बाकी गाइस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलता है हमें वॉइस चेंजर, एंड गाइस वॉइस चेंजर में आपको कुछ 5 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लाइक गर्ल, वोमैन, कार्टून, रोबोट मैन, ऐसा कुछ करके। तो गाइस यहाँ पे सिंपली मैं आपको बारी बारी से सुना देता हूँ एंड फिर आगे बताता हूँ। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा हमारा वोमैन, एंड वोमैन सुन सकते हैं कैसा सुनाई देता है। ये रहा
परफॉर्मेंस सुन सकते हैं कैसा सुनाई देता। अब ये रहा गाइस हमारा कार्टून एंड कार्टून सुन सकते हैं कैसा ये सुनाई देता है। ये रहा गाइस हमारा कार्टून एंड कार्टून सुन सकते हैं कैसा ये सुनाई देता है। नेक्स्ट गाइस मिलता है हमारा रोबोट एंड रोबोट सुन सकते हैं ये कैसा सुनाई दे रहा है। फाइनली गाइस ये है हमारा मैन एंड मैन सुन सकते हैं कैसा सुनाई देता है। सो गाइस कुछ इतने आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाते हैं एंड काफ़ी एक्यूरेट परफॉर्म करता है एंड बीजीएम में भी मस्त परफॉर्म कर लेता है, तो कोई भी साउंड में लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है, तो ये सही चीज़ लगी। बाकी गाइस अगर आप गेमिंग करते टाइम लाइव FPS भी देखना चाहते हैं कि कौन सा गेम कितना FPS प्रोवाइड कर रहा है कैसा, तो उसके लिए गाइस सेटिंग में जाने के बाद आप सिंपली यहां से डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं OS वर्जन पे क्लिक करके। एंड गाइस उसके बाद एडिशनल सेटिंग में हम चलेंगे। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन का, सिंपली गाइस इसमें एंटर करेंगे एंड सिंपली पूरा नीचे हमको स्लाइड करना होगा ऐसे स्क्रॉल बेसिकली। एंड फिर थोड़ा ऊपर चलेंगे हम, ऊपर चलेंगे थोड़ा सा और एंड यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पावर कंजम्पशन का, सिंपली गाइस इसमें एंटर होंगे एंड यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप है भाई ऑलरेडी मतलब स्टार्ट रहता है वैसे थोड़ा सा अटका हुआ था आई थिंक, तो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको FPS लाइव शो करने लगा। अब गाइस गेमिंग करते टाइम आप लाइव FPS भी देख सकते हैं कि फ्री फायर में कैसा FPS प्रोवाइड कर रहा है, BGM में कैसा प्रोवाइड कर रहा है, तो इजीली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये भी मस्त देखने को मिल जाता है जो गेमर्स हैं उनके लिए इजी हो जाता है। तो गाइस ये थे कुछ कमाल के फीचर्स एंड बहुत ही मुझे सही लगते हैं इसमें, मतलब भर भर के फीचर देखने को मिलते हैं गेमिंग से रिलेटेड। सो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।